आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी बेल बताने वाले हैं। तो देखिए, हम इसके लिए पहले 6 चैन बुनेंगे। एक मैंने बुन ली है, देखिए 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए 6 चैन बुनने के बाद 1 और 2 बल लेंगे। और ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में इस तरह से बुनेंगे। देखिए फिर आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर यहाँ एक बल लीजिए और एक बल लेने के बाद इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 5 हो गए। तो अब आपने देखिए बस ये एक ये वाला फंदा छोड़ना है, बाकी इन सब में से इसको पास करना है आपने इस तरह से। देखिए इस तरह से बनेगा ये हमारा। फिर देखिए 1, 2, 3 बल लेने हैं और हमने यहाँ इस तरह से 1 बार 2 बार 3 और ये 4। फिर इसके बाद देखिए इस तरह आ गए। फिर आपने एक चैन बुननी है। इसके बाद देखिए जो आपका है इसके अंदर आपने 9 बार बुनना है सिंगल चैन से, सिंगल क्रोशिया से बुनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए इस साइड हमने 9 बार बुना है। तो फ्रेंड्स अब हम इधर की साइड भी इसमें भी 9 बार ही बुनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद देखिए 8, 9 देखिए ये हमारे बीच में है और ये इधर के साइड 9, इधर के साइड 9, 9 हो गए। 9 के बाद देखिए यहाँ आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम इसके ऊपर फिर दोबारा बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए 6 चैन बुनेंगे। फिर 1 और 2 देखिए 2 बल लेंगे और हम यहाँ इस तरह से इसको बुनेंगे 1, 2 बार और ये 3 इस तरह से। फिर देखिए एक बल लीजिए और इसके अंदर आपने जिस तरह नीचे करा था 5 टाइम 1, 2, 3, 4, 5 बार बुनने के बाद देखिए इन सबको आपने इसमें से पास करना है, सिर्फ एक फंदा रहना चाहिए। एक और रह गया, इसमें से भी अब कर लीजिए इस तरह से। फिर इन सबको इस तरह बुन लीजिए। फिर देखिए इस तरह बुनने के बाद 1, 2, 3 बल लेंगे और इसके बाद यहाँ 1, 2, 3 और इस तरह बुन लेंगे। देखिए फिर इसके बाद एक चैन बुनेंगे। एक चैन बुनने के बाद इसमें आपने 9 बार सिंगल क्रोशिया से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
सात आठ नौ, देखिए नौ बार बुनने के बाद आपने, अब आपने इसमें भी नौ बार बुनना है, यहाँ बुनना है अब आपने इधर के साइड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए दो तैयार हो गए। बस आपने इसी तरह बनाना है। अब आपने देखिए जो बीच में यहाँ आपने एक चैन बुननी है, और एक चैन बुनने के बाद फिर से आपने एक दो तीन चार पाँच छः, और इसी तरह से आपने सिर्फ इन्हीं को रिपीट करना, और आपका बहुत प्यारी से देखिए इस तरह की आपकी बेल तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये दो मैंने आपको समझा दिए थे, और ये देखिए तीसरा मैंने रिपीट कर लिया है। अब आप जितनी बड़ी बेल बनाना चाहती हैं फ्रेंड्स आप इतनी बड़ी बेल बनाएं। और अगर आपको फ्रेंड्स ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।